जी प्रभु जी। ओमिदानुतिनिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकरामय्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हम पढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित पुस्तक आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। और कल हमने सुना श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे थे मनुष्य जीवन प्राणी जीवन से श्रेष्ठ है, और यदि हम प्राणी जीवन से अधिक जिज्ञासा नहीं करेंगे, अर्थात आहार निद्रा भय मैथुन से आगे जिज्ञासा नहीं करेंगे, तो एक प्राणी से भी कठिन जीवन को प्राप्त करेंगे। आगे प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक प्रगति और आध्यात्मिक प्रगति में बड़ा अंतर है। संपूर्ण सफलता प्राप्त होने पर ही भौतिक फल मिलता है, और वो फल भी अशाश्वत है, परंतु मृत्यु के साथ नष्ट हो जाता है। परंतु आध्यात्मिक प्रगति शाश्वत है, और इस जीवन में हम जितनी आध्यात्मिक प्रगति करेंगे अगले जीवन में वही से ही हम आगे बढ़ेंगे। और जो योग भ्रष्ट होते हैं, जो भक्त पूरी तरह से भगवान की भक्ति इस जन्म में पूर्ण नहीं कर पाते, उन्हें भगवान अत्यंत उच्च प्रति के भोग स्वर्ग लोक में प्रदान करते हैं, और बाद में एक वैष्णव परिवार में या एक अत्यंत धनी परिवार में जन्म देते हैं। और इसके आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि मनुष्य जीवन की यह दुर्लभता है। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लभम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। सो इस प्रकार से एक दुर्लभ मनुष्य जीवन मिलने के बाद हमें उसका उपयोग भगवत भक्ति में करना चाहिए। तो आज हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। प्लीज। प्रभु जी, निश्चय ही रेल के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में प्रचुर सुविधाएं रहती है, परंतु रेलगाड़ी अपने गंतव्य की ओर यदि ना बढ़े तो उस वातानुकूल खुली डिब्बे का लाभ ही क्या है। आजकल की सभ्यता इस भौतिक शरीर को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए अत्यंत चिंतित है। जीवन के वास्तविक गंतव्य की किसी को कोई जानकारी ही नहीं है। जीवन का वास्तविक गंतव्य तो भगवान के धाम में लौटना है। हमें एक सुविधाजनक डिब्बे में केवल बैठे ही नहीं रहना चाहिए, वरन यह भी देखना चाहिए कि हमारा वाहन अपने सच्चे गंतव्य की ओर बढ़ भी रहा है अथवा नहीं। यदि हम जीवन की प्राथमिक आवश्यकता अर्थात आध्यात्मिक स्वरूप की पुनः प्राप्ति को भूलकर केवल अपने भौतिक शरीर को सुख सुविधा देते रहे तो इससे परम लाभ न हो सकेगा। मानव जीवन रूपी नाव की रचना ही इस प्रकार हुई कि किसी परमार्थिक गंतव्य की ओर अवश्य बढ़ना चाहिए। दुर्भाग्य से यह शरीर भौतिक चेतना की पाश्रु श्रृंखला में बंधा हुआ है। आध्यात्मिक तथ्यों की अज्ञानता के कारण इस भौतिक देह के प्रति आसक्ति रखना, शरीर का संबंध होने के कारण स्वजनों में आसक्ति रखना, जन्मभूमि घर की वस्तुएं भूमि संपत्ति व्यापारिक कागजातों के इत्यादि के प्रति आसक्ति रखना, भौतिक विज्ञान के प्रति आसक्ति रखना जो सदा ही आध्यात्मिक प्रकाश के अभाव के कारण रहस्यमय बना रहता है,
और भगवान तथा उनके भक्तों को जाने बिना ही धार्मिक विधियों के विधियों एवं तीर्थ स्थानों में आसक्ति रखना। वास्तव में भगवान एवं उनके भक्तों की उपस्थिति के कारण ही तीर्थ स्थान पवित्र होते हैं। भगवद गीता के 15वें अध्याय में मानव शरीर रूपी नाव को बांधे रखने वाली इन आसक्तियों की विस्तार से व्याख्या की गई है। वहां इन आसक्ति रूपी श्रृंखलाओं की तुलना गहरी जड़ों वाले एक पीपल के वृक्ष से की गई है। इसकी जड़ों का संबंध भूमि के साथ नित्य ही बढ़ता जाता है। ऐसे बलवान पीपल के वृक्ष को उखाड़ कर फेंकना अत्यधिक कठिन कार्य है, परंतु भगवान इसके लिए निम्नलिखित विधियों की सलाह देते हैं। इस वृक्ष के असली रूप की प्रतीति इस संसार में नहीं हो सकती। इसके अधि अंत अथवा आधार को कोई ही नहीं जान सकता, परंतु इस संसार वृक्ष को दृढ़ निश्चय के साथ वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर फिर उस परम पद को खोजना चाहिए, जिसे प्राप्त होकर संसार में पुनः नहीं आना पड़ता। वह उस परम धाम में आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण की शरण ली जाती है, जिससे प्रत्येक वस्तु का आरंभ हुआ है और अनादि काल से जिसमें प्रत्येक वस्तु विश्वास कर रही है। हाँ, तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें एक मनुष्य जीवन की नाव मिली है, तो उस नाव का एक गंतव्य है। मानो कि हमने एक आदि कार खरीद ली, तो उस कार का कुछ एक यूटिलिटी है, कार का कुछ गंतव्य है। देयर इज अ पर्पस टू बाय अ कार, करेक्ट। कार का उद्देश्य ये नहीं है कि कार को हम सजाए रखे और वहां उस कार को लेकर कहीं ना जाए। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य जीवन मिला है, तो मनुष्य जीवन सिर्फ और ज्यादा भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए नहीं है। मतलब हम हमारे जीवन की प्रगति गिनते हैं कि मैं 1 BHK में रहता था, उससे 2 BHK में चला गया, उससे 3 BHK में चला गया, या पहले मैं स्कूटी यूज करती थी, उसके बाद मैंने ऑडी छोटी एक अल्टो कार ले ली, उसके बाद मैंने स्विफ्ट कार ले ली। तो इस प्रकार से हम भौतिक प्रगति का मापदंड रखते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पर कह रहे हैं कि इस शरीर को सजाना ही शरीर का उद्देश्य नहीं है। जिस प्रकार से नाव हमें एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाती है, उसी प्रकार से यह मनुष्य शरीर भी हमें इसलिए दिया गया है कि हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सके। और वो दूसरी जगह कौन सी है, तो प्रभुपाद जी पहले ये जगह कौन सी है इसके बारे में कह रहे हैं। ये जगह है जो है ये भौतिक जगह है, और यहाँ पर बहुत सारी श्रृंखलाएं हमें बांध रही है, और प्रभुपाद जी यहाँ पर 5 श्रृंखला का वर्णन करते हैं। यस्यात्म बुद्धि कुणपि त्रिधातुके स्वधि कलित्रा आदिषु भौम इज्जति। तो इस प्रकार से हमें एक शरीर समझ कर बैठते हैं और शरीर के प्रति बहुत आसक्त हो जाते हैं, और अहम का दूसरा विस्तारित स्वरूप है ममेति। शरीर के अन्य जनों के प्रति भी बहुत आसक्त होते हैं। इसका अर्थ ऐसे नहीं है कि हमें आसक्त नहीं होना चाहिए, हमें आसक्ति रखनी चाहिए, परंतु ये आसक्ति उसमें ही, इट इज नॉट एंड इन इटसेल्फ, आसक्ति से परे भी कुछ है, और इस आसक्ति को हमें भगवान के प्रति भक्ति में केंद्रित करना चाहिए। और इसके आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि विज्ञान भी एक ऐसी आसक्ति है जो हमें भगवान के प्रति जाने आगे अग्रेसर होने में रोकती है। कैसे रोकती है? भगवान विज्ञान हमें समझाता है कि डार्विन्स थियरी, विज्ञान जो जब प्रारंभ हुआ, साइंस बिगैन विद 3 questions, उनका पहला क्वेश्चन था, प्रश्न था कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, दूसरा प्रश्न था इस भौतिक जगत की उत्पत्ति कैसे हुई, और तीसरा प्रश्न था क्या हम एक आयरन लोहे को सोना बना सकते हैं। तो इन 3 प्रश्नों को उत्तर देने के लिए रफली 3 ब्रांचेस चालू हुए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री ने कह दिया कि नहीं, हम आयरन को सोना नहीं बना सकते, अल्केमी वॉज अ फेल्यूअर। दूसरा, जो जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, तो विज्ञान का वाद क्या है, डार्विन थियोरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन का उत्क्रांतिवाद है, जहां पर भगवान की आवश्यकता ही नहीं है, और इस यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसके लिए थियोरी है बिग बैंग थियोरी। एक महाभयंकर विस्फोट हो गया और वहां से
इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। तो ये विज्ञान भी आज का जो विज्ञान है, हालांकि वो विज्ञान जो चालू किया था वो बहुत आस्तिक लोग थे, बहुत न्यूटन आइंस्टाइन जैसे आस्तिक लोगों ने विज्ञान को आरंभ किया, परंतु विज्ञान का जो कंक्लूजन है वो बहुत नास्तिक कंक्लूजन है और भगवान को दूर रखता है, इसलिए ये भी एक श्रृंखला है। और प्रभुपाद जी हमें आगे जाकर कह रहे हैं कि हमें जाना कहाँ है, तो आगे पढ़िए। ना तो वैज्ञानिक और न ही शुष्क दार्शनिक ब्रह्मांड की स्थिति के संबंध में भी अभी तक किसी की निष्कर्ष पर पहुंचने में सफल हुए हैं। उन्होंने अब तक किया ही क्या है इस संबंध में, केवल विभिन्न सिद्धांतों की स्थापना। उनमें से कुछ कहते हैं कि संसार सत्य है, कुछ कहते हैं कि स्वप्न, और कुछ यही भी कहते हैं कि यह नित्य है। इस प्रकार प्राकृत विद्वानों के द्वारा विभिन्न विचारधाराएं प्रस्तुत की जाती है, परंतु तथ्य तो यही है कि ब्रह्मांड के आरंभ या उसकी सीमाओं की किसी भी प्राकृत वैज्ञानिक का शुष्क दार्शनिक द्वारा खोज नहीं की गई है। कोई यही भी कह नहीं सकता है कि ब्रह्मांड का आरंभ कैसे हुआ अथवा यह अंतरिक्ष में किस प्रकार से तैर रहा है। वे सिद्धांत की दृष्टि से कुछ नियमों का प्रस्ताव रखते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, परंतु वास्तव में वे इस नियमों का कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं कर सकते। सत्य के वास्तविक ज्ञान के अभाव के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति कुछ प्रसिद्धि पाने के उद्देश्य से अपने स्वयं के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक रहते हैं, परंतु वास्तविकता तो यह है कि यह संसार दुखों से भरा पड़ा है और कोई भी व्यक्ति इस विषय पर केवल कुछ सिद्धांत प्रस्तुत करने मात्र से इन दुखों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान का एक विशेष लक्षण है कि वे स्वराट, यह अर्थ उन्होंने सृष्टि की प्रत्येक वस्तुओं का पूर्ण रूप से ज्ञान है। वे स्वराट भगवान हमें जानकारी देते हैं कि हमारा परम कल्याण इसी में है कि हम इस दुखालय रूपी संसार से मुक्ति पाने की इच्छा करें। हमें ऐसी सभी वस्तुओं से अनासक्त होना है जो प्राकृत है। इस खराब सौदे का सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए यह परम आवश्यक है कि हमारा भौतिक जीवन शत प्रतिशत परमार्थ में संलग्न हो जाए। लोहा अग्नि नहीं है, परंतु अग्नि के निरंतर संपर्क में रहने के कारण इसे भी अग्नि में परिवर्तित किया जा सकता है। उसी प्रकार प्राकृत क्रियाओं के प्रति अपनी अनासक्ति को अप्राकृत कर्मों से संलग्न रहने के द्वारा प्रभावशाली बनाया जा सकता है। प्राकृत रूप से जड़ बन जाने के द्वारा नहीं। प्राकृत जड़ना प्राकृत कार्यों का एक नकारात्मक लक्ष्य है, परंतु अप्राकृत कर्म न केवल प्राकृत कार्यों को रोक देते हैं, वरन हमको वास्तविक जीवन के कार्यों के प्रति क्रियाशील भी कर देते हैं। हमें शाश्वत जीवन अर्थात सच्चिदानंदमय परम ब्रह्म भगवान के संग की खोज करने के लिए अवश्य ही उत्सुक रहना चाहिए। श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण से उस परम धाम का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि उनके नित्य लोक में चले जाने पर फिर कोई वहां से वापस नहीं लौटता। भगवान के धाम की विशेषता तो यही है। हाँ, तो यहाँ पर अभी प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो भौतिक जीवन है उसे एक पीपल का वृक्ष है, ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्त्वं वेदस वेदवित्। यह भगवद गीता का 15वां अध्याय है। और इस ऐसे वृक्ष ने, मतलब पीपल का वृक्ष यदि हम देखते हैं तो उसके जो जड़ है वो ऊपर से आकर फिर से जमीन में जाते हैं और ये पीपल का वृक्ष बहुत बड़ा बन सकता है। कई कई पीपल के वृक्ष है जो किलोमीटर्स तक उसका विस्तार हो जाता है। उसी प्रकार से ये भौतिक ब्रह्मांड का भी बहुत भयंकर विस्तार है, परंतु जो वैज्ञानिक है, द मॉडर्न साइंस, ये पता नहीं कर पाते कि इस भौतिक जगत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका विस्तार कहाँ पर हो रहा है। वो कहते हैं कि हाँ, ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग,
But where the universe is expanding, they have no idea. Because the space within the universe is called as a space, right? So where the universe is expanding? Somebody will say universe is expanding in the space. No, universe cannot expand in the space because the boundary within the universe is called as space. जो universe ब्रह्मांड के अंदर है उसे space कहते हैं. तो ब्रह्मांड कहां पर विस्तार हो रहा है इनकी उन्हें कुछ जानकारी नहीं है. और इतना ही नहीं, कुछ तो एक फैंटास्टिक नंबर दे देंगे. जैसे अभी मॉडर्न थियोरी कहती है कि हर दिन कितने ताराओं का निर्माण होता है. यू नो हाउ मेनी स्टार्स आर बॉर्न एवरी डे. मॉडर्न साइंटिस्ट से देयर आर 1 बिलियन स्टार्स आर बॉर्न एवरी डे. मतलब 100 करोड़ तारे एक दिन में जन्म लेते हैं. अभी 100 करोड़, 200 करोड़ तारे एक दिन में जन्म लेते हैं. मतलब एक सेकेंड में 20,000 तारों का जन्म होता है. तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा कुछ तो बातें करने से हमारे जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला. कुछ तो सिद्धांत लोग रखेंगे, कुछ तो सिद्धांत को आगे करेंगे. और ऐसे बहुत सारे सिद्धांत है. जैसे ये बिग बैंग थ्योरी हमने कहा एक सिद्धांत है. लेकिन अब पुणे से है बहुत सारे लोग. यहाँ पर पुणे में अलग शास्त्रज्ञ है जयंत नारळीकर, उनका अलग सिद्धांत है. वो कहते हैं कि नहीं, स्टेडी स्टेट यूनिवर्स. इस प्रकार से 70 से ज्यादा सिद्धांत है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई. लेकिन ये कोई नहीं कह पाएगा कि मेरा सिद्धांत ही सत्य सिद्धांत है. ये केवल एक सिद्धांत है. और प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं ये सिद्धांत कहने से और पढ़ने से हमारे जीवन की कोई समस्या का हल नहीं होने वाला है. इसीलिए भगवान स्वयं यहाँ पर आते हैं, भगवद गीता का वर्णन करते हैं. और भगवद गीता के वर्णन में भगवान कहते हैं कि आइए आप मेरे आध्यात्मिक धाम में आइए जो शाश्वत रूप है. और आगे प्रभुपाद जी भगवान के आध्यात्मिक धाम का वर्णन करने वाले हैं. यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम. तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं और कल यही से हम आरंभ करेंगे. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभुपाद. थैंक यू प्रभुपाद.